बोलिए दीदी। देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक प्राणता ध्यानम तदेव वार्थ मात निर्भासम सर्वरूप शून्यम समाधि। और तुमने त्रय एकत्रम संयम तज्ज्ञात प्रज्ञा लोकः तस्य भूमिषु विनो विनि विनियोहा त्रया विनियोग। विनियोगः। नेक्स्ट कौन है आप? सेवंथ है नेक्स्ट तद्यात प्रज्ञा कौन? लोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंग निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कार अभिभाव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात सर्वार्थत एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। ब्यूटिफुल। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 11th हमारा करने का है, राइट? कि हो चुका था? नहीं मैम चलिए करना था। ठीक है, बट आपने बहुत अच्छा पढ़ा दोनों ने। अभी हम 11th थैंक देखेंगे। सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। शब्द पहचानने की कोशिश करेंगे कि समाधि का परिणाम। तो सर्वार्थ, सर्वार्थ तैकाग्रतयो, तो पूरा वर्ड हो जाएगा सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। प्लीज जिसका माइक म्यूट नहीं है वो कर लीजिए। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। तो चित्त का समाधि परिणाम क्या होता है? अगेन ऊपर ऊपर से जो हमने प्रशांत देता, ये सूत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, चित्त का समाधि परिणाम क्या है? यहाँ पर हमको दिख रहा है ये वर्ड क्षय प्लस उदय। क्षय मतलब खत्म होना, उदय मतलब पैदा होना। तो यहाँ पर है सर्वार्थ तैकाग्र, मतलब सारे विषयों में उदय और क्षय होने वाली चित्त की जो हमारे प्रयत्न चल रहे हैं कि हम बिल्कुल निर्विचार हो जाएं, एक ही ध्येय हो, बहुत सारी हमारे अभी तक प्रयत्न जैसे चल रहे हैं, तो उसका चित्त की जब ऊपर कंट्रोल आ जाता है और सिर्फ एक आधी ध्येय मात्र रह जाता है और सर्वार्थ तैकाग्र, बाकी सब चीजों पर एकाग्रता आ जाती है, कभी उसमें क्षय होता है, कभी उसमें उदय होता है। तो ऐसे में समाधि परिणाम क्या होता है, इसके बारे में इस सूत्र में बताया है। सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। वॉलेंटियर्स रेडी? सर्वार्थ तैकाग्रतयो सर्वार्थ तैकार्थ सर्वार्थ तैकाग्रतयो सर्वार्थ क्षयो दयो, तैकाग्रतयो साथ में चाहिए, चित्तस्य, प्लीज सर्वार्थ जो दो वॉलेंटियर्स स्टार्टिंग में बना दिए गए हैं उनके अलावा जिन जिन के अनम्यूट है उनको म्यूट कर दीजिए। समाधि परिणामः, समाधि समाधि परिणामः। परिणाम सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थ सर्वार्थैकाग्रतयोः तैकाग्रतयोः क्षयोदयौ क्षयोदयौ चित्तस्य चित्तस्य समाधि समाधि परिणामः। परिणामः। सर्वार्थैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थैकाग्रतयोः सर्वार्थैकाग्रतयोः क्षयोदयौ क्षयोदयौ चित्तस्य चित्तस्य समाधि समाधि परिणामः। परिणामः। परफेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे हम 12th सूत्र देखेंगे। विभूतिपाद। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अगेन यहाँ पर हमने ऊपर भी देखा चित्तस्य समाधि परिणामः, चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अब हमने जैसे उसके बारे में ऊपर पढ़ा है समाधि परिणाम क्या है, तो वहां पर अब यहाँ पर हम इसके बारे में नेक्स्ट क्या होगा,
समाधि परिणाम के बाद में जब हमारे क्षय हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, जो भी वर्ड्स हमने पहचान, उसके बाद उसका स्वरूप कैसा है और उसके आगे के और परिणाम क्या है। चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, चित्र चित्त की एकमात्र सिर्फ क्या रह जाती है, एकाग्रता। ततः फिर पुनः, अब यहाँ पर है शांत उदित, तो संधि करने के बाद पूरा एक वर्ड क्या बन गया है, शांतो दितो, मतलब यहाँ शांत और उदित, क्षय उदय, तो यहाँ पर पैदा होना और शांत होना। तुल्य प्रत्ययो, तो शांत प्लस उदय होने वाली दोनों भी वृत्तियां यहाँ पर क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसके स्वरूप का वर्णन बताया जा रहा है, समाधि किस तरह के हमको परिणाम मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर शांत और उदय होने वाली जो वृत्तियां हैं वो अब सेम हो जाती है। ततः पुनः शांतो दितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांतो दितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। चित्तस्य एकाग्रता और फिर है ये परिणामः। ततः पुनः शांतो दितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। आखिरी वाला वर्ड है चित्तस्य, चित्तस्य गलत है, चित्तस्य, चित्तस्य उसके बाद ए में मात्रा, चित्तस्य काग्रता परिणामः। वॉलेंटियर्स रेडी, एक साथ मेरे बाद बोलेंगे। ततः पुनः, तथा ततः पुनः शांतो दितौ, शांतौ दितौ शांतो दितौ तुल्य प्रत्ययो तुल्य तुल्य प्रत्ययो प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता चित्तस्य चित्तस्य एकाग्रतौ एकाग्रता परिणामः। परिणामः परिणामः चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। चित्तस्य चित्तस्य एकाग्रता एकाग्रता परिणामः परिणामः। ततः पुनः शांतो दितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः ततः पुनः शांतो पुनः दितौ शांतो तुल्य दितौ तुल्य प्रत्ययौ प्रत्ययौ चित्तस्य चित्तस्य एकाग्रता एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांतो दितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः ततः पुनः पुनः शांतो दितौ शांतो तुल्य दितौ तुल्य प्रत्ययौ प्रत्यय चित्तस्य चित्तस्य एकाग्रता एकाग्रता परिणामः। परिणामः। परफेक्ट। 13 देखेंगे। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा वस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन इंद्रियेषु, यहां पर वर्ड्स पहचानेंगे, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, उसके बाद है व्याख्याता। तो यहां पर धर्म लक्षण अवस्था परिणामा इज इक्वल टू धर्म लक्षणावस्था परिणामा। जिसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। व्याख्याता इस किसके बारे में यहां पर बताया गया है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। एतेन, एतेन मतलब ऊपर हमने जो जो परिणाम देखे हैं उनका, उन पर संयम करने का, हमारे पंचभूत और इंद्रियों के ऊपर होने वाले जो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम है, उनके बारे में इस सूत्र में बताया गया है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म एक दीदी आप अभी म्यूट रहिए, मैं जब बोलूंगी फिर करिएगा। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। वॉलेंटियर्स रेडी, मेरे पीछे दोहराएंगे। एतेन एतेन भूतेन्द्रियेषु भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्म लक्षण धर्म लक्षण अवस्था
अवस्था परिणाम धर्म लक्षणावस्था परिणाम धर्म अवस्था परिणाम। अभी अवस्था मैंने नहीं बोला, अभी मैंने पूरा संधि करके बोला धर्म लक्षणावस्था परिणाम। ओके धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याताः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। 14 देखेंगे। शांतोदिता व्यप देश्य धर्मानुपाती धर्मी, शांतोदिता व्यप देश्य धर्मानुपाती धर्मी, शांतोदिता व्यप देश्य धर्मानुपाती। और भी अगर आपको कम डिवाइड करना है तो शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती, एक वर्ड शांतो से लेकर देश्य तक और दूसरा धर्मानुपाती, शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी, शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। अब यहाँ पर धर्मी के बारे में बताया जा रहा है, पूरा धर्मी का वर्णन है इसमें। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी, धर्मी का स्वरूप बताते हुए यहाँ पर वर्ड्स को देखेंगे। शांत उदित व्यप देश्य, ये तीन वर्ड्स मैं बता रही हूँ धर्मों को, ये जो हमारा जो धर्मों की शांत अव्यक्त देश्य और उदित स्थिति में धर्मी कैसा रहता है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है शांत उदित और अव्यक्त देश्य, ये तीन वर्ड्स है, इनमें धर्मी किस तरह से रहता है। तो शांत उदित अव्यक्त देश्य, ये तीन यहाँ पर बताई गई है उनकी स्थिति। शांतोदिता व्यप देश्य धर्मानुपाती धर्मी, शांतोदिता शांत उदित अव्यक्त देश्य धर्मानुपाती धर्मी, शांतोदिता व्यप देश्य धर्मानुपाती धर्मी, शांतोदिता व्यप देश्य धर्मानुपाती धर्मी। वॉलंटियर्स रेडी। शांतोदिता व्यप शांतोदितव्य शांतोदिता व्यप देश्य धर्मी धर्मानुपाती 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 शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी धर्मी धर्मी। अब अपन पूरा बोलेंगे। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। ओके शांतोदितव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। परफेक्ट, एक और बार। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी, शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी धर्मी। लास्ट वाला, आप तीनों का कोरस बहुत स्पष्ट और एकदम क्लियर आया था। मेरा तीनों से मतलब यही है कि आप पूरी क्लास म्यूट रहकर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने उच्चारण को, सूत्रों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। शांतोदिता व्यपदेश्य, रीड करते टाइम पूरा ध्यान सिर्फ अक्षरों की तरफ, पूरा मात्रा और अक्षर और उनका उच्चारण बस करते जाइए। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी, हेतु। 15th वाला देख रहे हैं हम। क्रमान्यत्वम परिणाम, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है, हेतु
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। वर्ड्स को अगर यहाँ पे पहचानेंगे तो यहाँ पर क्रम हम बोलते हैं ना, किसका क्रम है नेक्स्ट सीरियल वाइज, उसके बाद यहाँ वर्ड देखेंगे तो दिख रहा है परिणाम। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि हर किसी चीज का परिणाम अलग होता है, क्योंकि हर किसी का बोलते ना समाधि की तरफ जाने का क्रम भी भिन्न भिन्न रहता है। आज एक एमएससी कर रहा है, उसके बाद नेट की तैयारी करेगा, एक बोलेगा मैं एमएससी के बाद एमए करूंगा, ये करूंगा उसके बाद मैं नेट की तैयारी करूंगा, एक बोलेगा मैं इसकी करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट पीएचडी करूंगा। तो आपके सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे, बिकॉज आपका क्रम अलग अलग जा रहा है, तो परिणाम भी भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, तो यहाँ पर इसीलिए इसके बारे में बताया गया है कि परिणाम में भिन्नता क्यों होती है, क्योंकि क्रम जो है वह भी भिन्न है। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु, क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु, क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु। वॉलेंटियर्स रेडी। क्रमान्यत्वं क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे परिणामान्यत्वे हेतु 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 क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु परफेक्ट। 16th देखेंगे हम। परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम्। परिणाम त्रय संयमाद संयमाद तीतानागत उसके बाद है ज्ञानम। इसको बहुत ज्यादा अगर डिवाइड नहीं भी करेंगे तो दिखने में वो वर्ड दिख रहा है बहुत बड़ा। परिणाम त्रय संयमादतीतानागत उसके बाद है ज्ञानम ज्ञानम, जो भी आप कंफर्टेबल है ज्ञ के उच्चारण में। परिणाम त्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम, परिणाम त्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम। वर्ड्स को पहचानेंगे यहाँ पर। परिणाम त्रय संयमाद तीता, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अतीत और अनागत ज्ञानम, यहाँ पर जो संधि का डिफरेंस दिख रहा है, वर्ड्स थोड़े से टंग ट्विस्टिंग है यहाँ पर, बट पहचानने की कोशिश करेंगे तो परिणाम त्रय संयम संयमाद तीता, द तीता जो है वो है अतीत और अनागत ज्ञानम, जो हो चुका है अतीत और जो आने वाला है अनागत, जो अभी आया नहीं है उसका ज्ञान होना। परिणाम त्रय, अब मुझे कोई बताएगा परिणाम त्रय, अभी हमने एक सूत्र में पढ़े हैं तीन परिणाम, कोई अन्यूट करके बताएगा वो तीन परिणाम कौन से पढ़े अपन ने? धर्म लक्षण अवस्था। परफेक्ट। ये तीन परिणामों में जो संयम करते हैं, अभी यहाँ पर से हमारी जो विभूतियां है ना विभूति पाद में, कि अब हम ये जो करते हैं कि सीरियल वाइज जो हम चलने भी वाले हैं कि किसको करने से क्या मिलता है, किस पे संयम करने से क्या मिलता है, तो यहाँ से आपकी विभूतियां चालू हो रही है। परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम, तो इन तीनों परिणामों पर संयम करने से भूतकाल और अनागत का ज्ञान हो जाता है। परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम, परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम, परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम। वॉलेंटियर्स रेडी। पहले मैं ब्रेक करके पढ़ रही हूँ, उसके बाद एक पूरे वन गो में उसको पढ़ेंगे सूत्र को।
परिणामा परिणामा त्रय त्रय संयमादति तानागत संयमादति तानागत ज्ञानम ज्ञानम बहुत सुंदर पढ़ा परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम परिणाम त्रय संयमादत तानागतम तानागत ज्ञानम। और एक बार स्लोली जाएंगे परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम ज्ञानम परिणाम त्रय संयमादति तानागत ज्ञानम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग होता है, यहाँ पर तीतानागत तो वो क्या है अतीत अनागत ज्ञान हो जाना, तो इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आराम से फ्लो में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ने से वो बहुत टफ लगता है। 17th देखेंगे हम, शब्दार्थ प्रत्ययाना मितरेत राध्यासात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋतज्ञानम। शब्दार्थ प्रत्ययाना मितरे तराध्यासात संकरस तत् प्रविभाग संयमात सर्व भूत रुत ज्ञानम। यहाँ पर कौन सी विभूति के बारे में बताया गया, थोड़ा सा यहाँ पर पहचानने की कोशिश करेंगे। सर्व भूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान होना। कौन सी विभूति, शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात संकरस तत् प्रविभाग संयमात। संकरस तत् प्रविभाग, यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस करिएगा इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे में कट करके आपको डिवाइड करके बताया। संकरस तत् प्रविभाग संयमात, संकरस तत् प्रविभाग संयमात। संकर मिक्स्ड मिश्रण जो होते हैं उसमें, तत् प्रविभाग संयमात। विभाग हम बोलते हैं ना विभाजन करना, डिविजन्स। अब यहाँ पर वर्ड्स हैं शब्द अर्थ प्रत्ययनामितरे तराध्यासात। यहाँ पर क्या बताया गया है कि शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के बारे में हमको सब पता भी रहता है, उसके बाद भी जो हमारे इसमें संकर मिक्सिंग होती है, एक लाइन ऑफ डिफरेंस हम नहीं कर पाते हैं कि समाधि के बीच में, ध्येय और इन सब के बीच में जो भी हमारे शब्द अर्थ और हमारा ज्ञान है, इसमें जब हमारा जो कंफ्यूजन डाउट वाली सिचुएशन वो पूरी मिक्सिंग जो है वो क्लियर हो जाती है, उसमें संयम करने से हमें क्या हो जाता है, प्राणियों की, हमारी संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है। सर्व भूत रुत ज्ञानम, शब्दार्थ प्रत्ययाना मितरे तराध्यासात संकरस तत् प्रविभाग संयमात सर्व भूत रुत ज्ञानम। सर्व भूत रुत ज्ञानम, सर्व भूत रुत ज्ञानम। फिर से देखेंगे, शब्दार्थ प्रत्ययानामितरे तराध्यासात संकरस तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरे तराध्यासात संकरस तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरे तराध्यासात संकरस तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत ऋत ज्ञानम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये टफ लगता है बट जैसे जैसे आप वर्ड्स पकड़ लेते हैं सूत्र बहुत इजी हो जाएगा। ब्रेक कर करके पढ़ूंगी, सब एक साथ बोलेंगे।
शब्दार्थ शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् प्रत्ययामितरेतराध्यासात् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सर्वभूतऋतज्ञानम्। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से हमने शॉर्ट में प्रैक्टिस करी है, अब पूरा श्लोक पढ़ेंगे। सूत्र शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम्। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सुंदर। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम्। सर्वभूतेषु कहाँ दिख रहा है मुझे बताइए। सर्वभूतेषु तो वो इसीलिए वहां पर आ रहा था, लेकिन मैंने पॉइंट इसलिए किया ताकि वो एक होता है ना माइंड में ना बैठ जाए, तो वो सर्वभूत ऋत ज्ञानम। ओके ना, ओके परफेक्ट। 18 देखेंगे हम। मैम रुद का मतलब क्या होता है यहाँ पर जी? रुद का मतलब क्या होता है मैम? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर है सर्वभूत ऋत, मतलब मेरे ख्याल से वाणी होना चाहिए, क्योंकि सर्वभूत ऋत ज्ञानम किसका ज्ञान हो जाता है? सभी प्राणियों की वाणी का। चलिए 18 की तरफ चलते हैं। संस्कार प्राणी का इधर उच्चारण क्या है? प्राणी का सब हुआ शंकरस्तत विभागी संयमा सर्वभूत ऋत ज्ञानम जी। प्राणी का उच्चारण कहा है इधर? मैंने प्राणी का उच्चारण नहीं बताया, मैंने आपको उसका मीनिंग बताया कि सभी प्राणियों के वाणी का ज्ञान। ओके ओके सर, ओके मैम, थैंक यू। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। संस्कार साक्षात करणात पूर्व उसके बाद जाति ज्ञानम। अभी जैसे जैसे विभूतियां पढ़ते जाएंगे, वर्ड्स पहचानते जाएंगे, तो आपको बहुत इजी होता जाएगा वो। संस्कार साक्षात करणात, प्लीज माइक म्यूट कीजिए। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, जो भी आप बोलते हैं। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, वर्ड्स पहचानेंगे। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम,
पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। कौन सी विभूति है यहाँ पर? पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। किससे? हमारे संस्कारों का साक्षात कर लेने से। तो संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, यहाँ पर विभूति का या ज्ञान किसका है? पूर्व जाति, पुराने हमारे जन्मों का ज्ञान होना। संस्कार साक्षात करणात, संस्कार का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। बहुत इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। वॉलंटियर्स रेडी? संस्कार 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 साक्षात 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 करणात 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 संस्कार साक्षात करणात संस्कार करणात पूर्व जाति पूर्व जाति पूर्व जाति ज्ञानम 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 संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम संस्कार साक्षात करणात ज्ञानम संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम संस्कार साक्षात पूर्व जाति ज्ञानम संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम संस्कार साक्षात पूर्व जाति ज्ञानम। परफेक्ट। 19th की तरफ चलते हैं। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करी विभूति? पर चित्त ज्ञानम, दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाना। प्रत्ययस्य, संयम करने से क्या होता है? दूसरों के चित्त के बारे में भी हमें ज्ञान हो जाता है। प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। प्रत्यय प्रत्यय, यहाँ पर दो य है, प्रत्यस्य नहीं बोलिएगा, प्रत्ययस्य। यहाँ पर अक्सर मिस्टेक होती है, य य य, यहाँ तीन य आते हैं तो हम कुछ य मिस कर जाते हैं, तो क्या बोलते थे? प्रत्यस्य, तो वो गलत हो जाएगा। प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। वॉलेंटियर्स रेडी? प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य पर चित्त पर चित्त ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। एक सेकंड, आपको स्क्रीन दिख रही है ना अभी भी? हाँ जी मैम, हाँ मैम दिख रहा है। तो मुझे नहीं दिख रहा है वो योगदर्शन का पेज। एक सेकेंड, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, चित्त ज्ञानम। 20th देखेंगे। न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्,
नच तत्सालंबनम तस्या विषये भूतत्वात् नच तत्सालंबनम तस्या विषये भूतत्वात् नच तत् सालंबनम। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो वो है तत् स आलंबनम। आलंबनम हमने वर्ड बहुत बार सुना है, वहीं पर है यहाँ पर ये संधि में। तत्सालंबनम, सालंबनम मतलब आलंबन के साथ। तस्या विषयी भूतत्वा न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। तस्या मतलब वह, योगी के चित्त का विषय नहीं होता है। अभी क्या है, अभी तक हम लोग बहुत उसमें चल रहे थे कि हमारा आलंबन है नहीं है, तो यहाँ पर है कि ज्ञान का जो आलंबन है वो सहित है, स आलंबन। न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, वह योगी के चित्त का विषय नहीं होता है। न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ेंगे तत् सालंबनम, यहाँ पर आलंबन नहीं पढ़िएगा, तत् सालंबनम। वॉलेंटियर्स रेडी? न च तत् सालंबनम, न च तत् सालंबनम तस्या 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 विषयी 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 भूतत्वात् भूतत्वात् न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, न च तत् सालंबनं तस्य 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 विषयी भूतत्वात्। परफेक्ट। 21 देखेंगे, बहुत ध्यान से वर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे। काय रूप संयमान तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेन तरधानम्। काय रूप संयमात, काय रूप शरीर के ऊपर संयम करने से तद उन ग्राह्य शक्ति, ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम्। अब यहाँ पे अवग्रह आ गया है, तो हम जब सूत्र पढ़ेंगे तो योगेंतरधानम्, योगेंतरधानम्, इसको अंतर्धान नहीं पढ़ेंगे सूत्र पढ़ते टाइम, लेकिन वो है अंतर्धानम्। चक्षुः प्रकाश संप्रयोगेन तरधामः, चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेन अंतर्धानम्। ये हमने अभी जब ब्रेक करके पढ़ा, और जब कंटिन्यूशन में सूत्र पढ़ेंगे तो प्रकाशा संप्रयोगेन संप्रयोगेन तरधानम्, वो कंटिन्यूस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सूत्र आ जाएगा। शरीर के रूप में संयम करने से जब हम इसमें चक्षु के प्रकाश, आपके पास अगर जो नोट्स भी होंगे तो उसमें प्रकाश चक्षु प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। किसके कारण? शरीर के रूप में संयम कर लेने से। ये आपकी जो काय रूप संयम, शरीर
के रूप में संयम कर लेने से जब उसकी ग्राह्य शक्ति तद उसकी ग्राह्य शक्ति स्तंभ मतलब रोकना रोकने से चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी प्रकाश संप्रयोगेंतरधान योगी अंतर्धान हो जाता है। काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम् चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम् काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगेंतरधानम् वॉलंटियर्स रेडी काय रूप संयमात काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेंतरधानम् अंतर बोल रहे हैं जब पूरा सूत्र पढ़ रहे हैं तो क्या बोलना है प्रयोगेंतरधानम् काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेंतरधानम् ट्वेंटी टू देखेंगे हम सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत् संयमा द परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमम मतलब दो प्रकार के जो कर्म बताए गए ये सोपक्रमम जो उपक्रम है और निरुपक्रम है स उपक्रम निरुपकरम ये दो प्रकार के जो कर्म है तत् संयमान उन पर संयम पाने के बाद मृत्यु मरिष्टेभ्यो वा मृत्यु का भी हमको ज्ञान हो जाता है उपक्रम सहित और एक है उपक्रम रहित ये दिख रहा है आपको सोपक्रमम मतलब उपक्रम सहित निरुपक्रम मतलब उपक्रम जिसमें नहीं है वो रहित है उपक्रम रहित च कर्म उस तत् संयमात मतलब उस पर संयम करने से मृत्यु पर मृत्यु का ज्ञान हो जाता है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत् संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत् संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमम निरुपक्रम
आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ मैम। यस मैम। ओके। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। वॉलंटियर्स रेडी। सोपक्रमम सोपक्रमम निरुपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म च कर्म च कर्म तत्संयमाद तत्संयमाद परांत परांत ज्ञान ज्ञान मरिष्टेभ्यो मरिष्टेभ्यो वा वा परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा मंत ज्ञान मरिष्टेभ्यो परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। पूरा पढ़ेंगे। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। एक लास्ट देख लेते हैं, बहुत ईजी है। मैत्रियादिषु बलानी मैत्रियादिषु बलानी मैत्री आदि आपने ये सब पढ़ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मैम। मैत्रियादिषु बलानी याद हो गया। मैत्रियादिषु बलानी मैत्रियादिषु बलानी मैत्रियादिषु बलानी मैत्रियादिषु बलानी। मैं मैडम नहीं हूँ। नहीं मैम, शालिनी बराबर है। मैडम तो दिख रहे नहीं है, मैडम लिफ्ट हो गए शायद। मैत्रियादिषु बलानी मैत्रियादिषु बलानी मैत्रियादिषु बलानी मैत्रियादिषु बलानी। इसका अर्थ क्या होता है? इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया मैम को। ओके, सभी को प्रणाम।